हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं फॉर बजट टॉक 2020-21। तो आज हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बजट प्रेजेंट किया ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। मतलब देखा जाए तो 2021 से लेकर 22 तक का, लेकिन बोला जाता है इसे बजट 2020-21। तो उसी के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं टू डिस्कस सम ऑफ द क्रिटिकल इश्यूज कि क्या क्या प्रोविजंस थे या क्या क्या प्रपोजल्स पास किए गए हैं इन दिस बजट। उसके लिए आज हमने इनवाइट किया है आर गेस्ट इन द पैनल मिस्टर अक्षय जैन। ही इज एमए इन इकोनॉमिक्स एंड अ लीडिंग फैकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एट वेरियस इंस्टीट्यूशन। काफी जाने माने इंस्टीट्यूशन में ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पिछले लगभग 8 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, तो जानेंगे इनसे कि इनका क्या ओपिनियन है, कुछ मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा अबाउट यूनियन बजट 2020-21। ठीक, पहले एक बार ओवरऑल डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल बजट अगर देखा जाए तो वो किस तरीके का रहा। देखो, एज एफएम सेड की जो ओवरऑल बजट था वो था ₹34 लाख करोड़ का, लगभग 34 लाख करोड़ रुपीस का बजट था। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो सर, मेरे हिसाब से बजट में जितनी एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, उस हिसाब से एज सच कुछ प्रपोजल्स नहीं लाए गए। देखो क्या था कि पेंडेमिक का टाइम है, ठीक, सिचुएशन थोड़ी टाइट है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी ऑन वेरियस जीएसटी प्रो। मैं थोड़ा जीएसटी पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि इनकम टैक्स के लिए वो पहले ही लास्ट ईयर 2020 के बजट में काफी कुछ रिलीफ दे चुके थे, लेकिन अब दोबारा रिलीफ देने का कोई मतलब नहीं बनता था क्योंकि अभी वो पहले वाले ही प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं हुए हैं। लेकिन जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको काफी रिलीफ देना चाहिए था क्योंकि जीएसटी का इस समय जो सिस्टम चल रहा है वो काफी दिक्कतों वाला चल रहा है। हर आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज आती है, तो वो एक मैकेनिज्म इनको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत थी, इनको बजट में प्रपोज करना चाहिए था। और थोड़ा सा मुझे लगा कि इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इन्होंने रिलीज करी है उसके ऊपर भी अभी बहुत काम करना बाकी है। उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है या उसमें किस तरीके से मतलब लोगों को गाइड करना है, थोड़ा ऑनलाइन एजुकेशन को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए था। क्योंकि देखो, अगर हम बोले कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जाना है या अपने अपना डेवलप्ड कंट्री से कम्पीट करना है तो हमें थोड़ा सा अपनी यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी ही पड़ेगी, उसके बिना बात नहीं बनेगी। हालांकि 2020 लास्ट फाइनेंशियल ईयर ने, कोविड के टाइम ने, काफी लोगों को टेक्नोलॉजी से अवेयर करवा दिया, लेकिन फिर भी अभी और भी ज्यादा जरूरत है, गवर्नमेंट को और ज्यादा उसमें इनिशिएटिव लेनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब जानेंगे अक्षय जी से कि उनका क्या ओपिनियन है। देखो, हम जो ये सेशन करेंगे ये लगभग हम दो पार्ट्स में डिवाइड रखेंगे, वीडियो सेम ही रहेगी लेकिन इसको हम दो सेशंस में कंडक्ट करेंगे। पहला जो सेशन रहेगा दैट विल बी कंडक्टेड बाय मिस्टर अक्षय जैन, ही विल गाइड यू अबाउट जनरल इकोनॉमिक प्रपोजल्स। एंड जो अगला सेशन रहेगा दैट इज ऑन टैक्सेशन, दैट विल बी डील बाय मी। तो आइए जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ अक्षय जी ऑन दिस बजट। अक्षय जी, आपका क्या ओपिनियन है एक बार आप बताइए। थैंक यू वरुण जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, सबसे पहले मैं मतलब बजट पे कुछ भी डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को हमारी इकोनॉमी के बारे में बता देता हूँ। जैसे हम सभी को पता है कि पिछले अप्रैल से जो हमारे फाइनेंशियली स्टार्ट हुआ है, उस अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब हमारा लॉकडाउन में चला गया। तो जो अप्रैल से लेके जून वाला हमारा क्वार्टर आया तो उसमें हमारा जो जीडीपी था वो 23% फॉल हो गया था। और उसके बाद जो हमारा जुलाई से लेके सितंबर वाला क्वार्टर आया उसमें ऑलमोस्ट 8% हमारा जीडीपी फॉल था। बहुत ऑब्वियस रीजन है हमारे पास, क्योंकि हमारा अप्रैल, मई, जून तो ऑलमोस्ट हमारा प्रोडक्शन सारा बंद ही था, प्रोडक्शन बंद था, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती, लोग अपने जो लेबर थे उनको बाहर जो जॉब से निकाल रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट जुलाई से लेकर सितंबर वहाँ पे हमारा जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कम हुआ, बट वो 8% से हुआ। तो हम वहाँ पे अपने आपको देख सकते हैं कि हाँ, 23% जो फॉल था वो 8% पे आ गया। और अभी जो आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला डेटा अभी वो रिलीज होना है, बट एक अच्छी चीज है जो कि डेटा आज मॉर्निंग में रिलीज हुआ जीएसटी कलेक्शन का, जो कि जनवरी का जीएसटी कलेक्शन है वो 1.2 लाख करोड़। मतलब आज तक जीएसटी का इतना कलेक्शन कभी नहीं हुआ जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है। तो ये अपने आप में कुछ पॉजिटिव साइंस है जो शो कर रहे हैं कि हाँ, हमारी इकोनॉमी एक वी शेप, मतलब जो इकोनॉमी फॉल हुई थी वो वापिस अपने उसी उस पर जा रही है, तो अपसाइड पर जा रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, आप जब जुलाई से लेके दिसंबर तक की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट ने पिछले बजट में चीजें अनाउंस करी थी वो उन्हीं को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई ढंग से, एक चीज। दूसरी चीज, इस टाइम पे जो बजट है, जो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे लिमिटेशंस थे, उनके रिसोर्सेज के लिमिटेशंस हैं। उन्होंने ऑलरेडी, आप सबको पता है कि मई 2020 के अंदर आत्मनिर्भर भारत करके उन्होंने 5 दिन का पूरा प्रॉपर फाइनेंस मिनिस्टर ने सब कुछ अनाउंस किया था, जो मोदी जी ने अपना विजन आत्मनिर्भर भारत का अनाउंस किया था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें वहां पर उन्होंने अनाउंस कर दी। तो अब आप एक चीज सोचिए, जब आप एक चीज अनाउंस कर देते हैं, बार बार आपकी
अलग अलग स्कीम्स को लेकर नहीं आ सकते। सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि वो स्कीम सबसे पहले इंप्लीमेंट हो अच्छे से। जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगा तो नई स्कीम्स को लाने का फायदा क्या हुआ। और दूसरी बात है रिसोर्सेज, टैक्सेस वो अपने आप में लिमिटेड है। जीएसटी कलेक्शन है भैया, जीएसटी जब सेल्स ही नहीं होगा तो जीएसटी कलेक्शन कहां से आएगा। और इनकम टैक्स वो भी अपने आप में लिमिटेशन है क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे इंडिया में करप्शन भी बहुत ज्यादा होता है, लोग इनकम टैक्स ज्यादा फाइल नहीं करते। तो उन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज काफी लिमिटेड हो जाते हैं। पूरा साल पीछे के 9 महीने इतना ज्यादा लिमिटेशन में है। तो उन सब चीजों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि बजट अपने आप में देखिए लिमिटेड तो है बजट काफी सारा, बट स्टिल जितना गवर्नमेंट कर सकती है, जितना करना चाहती है उसके हिसाब से काफी कुछ कर रही है गवर्नमेंट। लेट्स डिस्कस अबाउट द पिलर्स। देखो पिलर्स क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा पिलर्स के बारे में बता दूं। जो बजट में पार्ट ए बोला गया, जी जो जनरल इकोनॉमिक प्रपोजल्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू 6 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। हमारे पीएम मोदी जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत, उसी को ही 6 पिलर्स में डिवाइड किया गया और एक एक पिलर के ऊपर कुछ ना कुछ प्रपोजल लेके आई गवर्नमेंट। ठीक, तो एक एक पिलर के बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं और जानते हैं अक्षय जी से उनका ओपिनियन। पहला पिलर जो आता है दैट इज योर हेल्थ एंड वेलबींग। देखो हेल्थ इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड का टाइम है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा देखो फोकस जो रखना चाहिए था वो हेल्थ के ऊपर रखना चाहिए था, हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर, और गवर्नमेंट किया भी है। तो जानेंगे उसके बारे में कि किस तरीके से गवर्नमेंट इसकी इस पिलर के ऊपर प्रपोजल्स लेके आई है। देखिए जैसा आपने बोला कि फर्स्ट पिलर जो कि हेल्थ है, और हमने पीछे 9 महीने में देखा कि ऐसे पैंडेमिक की सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो सेक्टर था वो आपका हेल्थ केयर था। हर कोई सिर्फ एक ही चीज में भाग रहा था डॉक्टर्स के पीछे कि आप हमारे जान बचा लीजिए। तो उस चीज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ के लिए काफी ज्यादा प्रोविजंस करे। अगर आप इन टर्म्स ऑफ बजट की बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं, जो कि आज तक कभी भी गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट ही अनाउंस नहीं किया हेल्थ के लिए, इस बार इट इज ऑलमोस्ट 2.23 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 137% का उसमें इंक्रीमेंट है। तो आप सोचिए जब गवर्नमेंट को ये चीज रिलाइज हो रही है कि हेल्थ सेक्टर जो कि किसी पैंडेमिक किसी वर्स्ट सिचुएशन में सबसे पहले हमारा काम आता है, तो गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा 137% इंक्रीमेंट जो किया है उसे सेक्टर के लिए किया है। तो देखिए मैं आपको कुछ चीजें उसके हाईलाइट्स बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें क्या क्या प्रपोजल्स के अंदर बनाए हैं। गवर्नमेंट ने सबसे पहले पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना उसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जिसके अंदर उनका 64,000 करोड़ का उनका प्रोविजन है। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल्स बनाए हैं वो है इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स। देखिए हेल्थ लैब्स, लैब्स क्या होता है, अर्बन एरियाज में हमारे पास बहुत सारी लैब्स हमें मिल जाएंगे जहाँ पे टेस्टिंग वगैरह डायग्नोसिस वगैरह होते हैं, बट रूरल एरिया का क्या है वहाँ पे तो कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। तो ऊपर देखिए अगर ऐसी कोरोना ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो लोग भी बीमार पड़ेंगे, तो वहां पे भी लैब्स होना बहुत जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या एक प्रपोजल बनाया इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स का उन्होंने प्रोविजन बनाया। देन क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स अवेलेबल हो, ताकि अगर कोई सिचुएशन थोड़ी सी कोई हमारी बीमारी अलग थोड़ी हाई फाई बीमारी आए भी तो उसका वहां पे इलाज किया जा सके। देन आपके पब्लिक हेल्थ यूनिट 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स गवर्नमेंट ने उसका प्रपोजल किया है। देन 5 नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी ये गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी है, क्योंकि देखिए जो कोरोना है वो अल्टीमेटली है कि एक वायरस है। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल दिया है कि हम 5 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को ओपन करेंगे, जहां पे स्टडी किसकी होगी, जहां पे रिसर्च किसकी होगी आपकी वायरसेस के ऊपर। क्योंकि देखिए आने वाला टाइम क्या है, हम लोग बायोकेमिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी इतना प्ले कर रहे हैं ना कि हमें कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के हैं। देन उसके बाद गवर्नमेंट गई क्योंकि हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन की बहुत जरूरी बात है, तो मिशन पोषण 2.0 गवर्नमेंट ने उसके बारे में बात करी। देन अगेन जैसा हम लोग पिछले 5-6 साल से सुनते आ रहे हैं स्वच्छ भारत, तो गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाईज के ऊपर, जल जीवन मिशन के ऊपर, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि जो गाड़ी से हमारा पोल्यूशन निकलता है सबसे ज्यादा उसका कंपोनेंट होता है एयर पोल्यूशन के अंदर। तो गवर्नमेंट ने एक स्क्रैपिंग पॉलिसी, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे या नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा उसको बताता हूँ। स्क्रैपिंग पॉलिसी उसमें क्या है, जो आपके पुराने व्हीकल्स हैं, जो हमारी पुरानी गाड़ी वगैरह है, उनके लिए जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उसके लिए 20 ईयर्स और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसके लिए 15 ईयर्स। उतने सालों के बाद आपको एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर में जाना पड़ेगा अपने व्हीकल को लेके। वो टेस्टिंग सेंटर आपको बताएगा कि क्या गाड़ी आपकी फिट है या नहीं है। अगर फिट नहीं है तो वो स्क्रैप में चली जाएगी, फिट है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आप उस गाड़ी को यूज कर सकते हैं। तो एक स्क्रैपिंग पॉलिसी अपने आप में काफी ज्यादा जरूरत थी, काफी कई सालों से प्रपोजल चल भी रहा था और आज गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस कर दिया है। अब धीरे धीरे इसका लेजिस्लेशन आएगा और ये आगे। और सर दिल्ली जैसे एरिया में तो वैसे ही पॉल्यूशन की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो यहाँ तो ये स्क्रैपिंग पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी थी। हालांकि ये तो चल भी रही है इस चीज को, लेकिन कोई ठीक से इसको फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन आई थिंक मेरे को लगता है कि सर गवर्नमेंट अब इस चीज को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो जाएगी अबाउट स्क्रैपिंग पॉलिसी। ये बेसिकली आपका पूरा इंडियन लेवल पे होगा, सिर्फ दिल्ली बेस नहीं होगा। और इसमें बेसिकली क्या होगा ना, यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई एग्जैक्ट पॉलिसी नहीं थी कि आपको अपनी गाड़ी स्क्रैप ही करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी आफ्टर 20 ईयर्स पर्सनल कार के लिए। अगर वो उसमें पास होती है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, वरना आप देखेंगे आज के टाइम में 20-25-25-30 साल पुरानी गाड़ी चलती रहती है। तो वो एक अपने आप में एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने में कामयाब चीज रहेगी। तो ये कुछ चीजें थी हमारी जो कि हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर गवर्नमेंट ने जिन प्रपोजल्स को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया।
सर व्हाट अबाउट कोविड वैक्सीन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कोविड वैक्सीन ऑलरेडी गवर्नमेंट उसके ऊपर काफी सारा मतलब उसको ऑलरेडी फंड सब्सिडीज के रूप में, ताकि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके कोविड वैक्सीन, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रपोजल कर दिया है। और आज भी बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि वी आर रेडी टू प्रोवाइड 35,000 करोड़ मोर अगर जरूरत पड़ती है कोविड वैक्सीन के लिए, कोविड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब्सिडी एज अ सब्सिडी अगर जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट इज रेडी टू प्रोवाइड 35,000 करोड़ मोर। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड पिलर। सेकंड पिलर इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, अबाउट फिजिकल कैपिटल, अबाउट फाइनेंशियल कैपिटल, अबाउट कंपनीज, उसके लिए जानते हैं कि ये क्या प्रपोजल्स है। देखिए जैसे आपने खुद ही ने बोल दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, सो ऑब्वियसली बात है कि किसी भी कंट्री, किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से आती है, और दूसरी चीज आपके पैसे से आती है, फाइनेंशियल कैपिटल। आपको ग्रो करना है, आपके पास पैसा होना चाहिए और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके पास सड़कें नहीं होंगी, आपके पास टेलीकम्युनिकेशन नहीं होगा, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होगी, रेलवे रोड्स नहीं होगा, तो आप डेवलप कहां से करेंगे। सो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है ये, और इसके ऊपर काफी गवर्नमेंट ने, अगर आप देखेंगे कि जो बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तब से उन्होंने नेशनल हाईवेज को कितना अच्छा डेवलप किया, उन्होंने एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ाई है। रेल, अगर हम रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें तो रेलवे आज के टाइम में इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काफी काम चल रहा है उनका, जो पहले हमारे कोयला वगैरह से या डीजल इंजन चलते थे उनके इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर वो लोग काम ज्यादा कर रहे हैं। और साथ में ऑब्वियसली एज वी ऑल नो कि बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, मेट्रो रेल्स और ये सब चीजें, तो ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। और इसके ऊपर इस आज के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, क्योंकि हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने जो पीएलआई स्कीम्स होती हैं आपकी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, मतलब आप हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कीजिए हम आपको इंसेंटिव देंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि जब फॉरेन की कंपनीज आपकी कंट्री में आके प्रोडक्शन करती हैं, जैसा हम सबको पता है टेस्ला जो आपकी यूएसए की ऑटोमोबाइल कंपनी है उसने बैंगलोर में अनाउंस किया अपना, एप्पल है, अलग अलग कंपनीज है, चाइना की कंपनी है जो कि आज के टाइम में क्या चाहती है, इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट इज रेडी टू प्रोवाइड देम सम इंसेंटिव कि आप आइए हमारी कंट्री में अपने प्लांट सेटअप कीजिए, उससे देखिए फायदा क्या क्या होगा आपका। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब यहाँ पे प्रोडक्शन सेटअप करेंगे तो नौकरी यहीं पे मिलेंगी लोगों को, देन आपका यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। यहाँ पे अगर टेस्ला ने अपनी गाड़ी बनाई और यहाँ से अमेरिका भेजेगा तो एक्सपोर्ट तो इंडिया का ही है, तो बेनिफिट हमारा उसके अंदर भी हो गया। तो हर एक तरीके से जब भी फॉरेन कंपनी यहाँ पे आती है तो हमारी ग्रो होती है, हमारी कंट्री ग्रोथ होगी, इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम्स को, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स को, फॉर क्रिएटिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल कंपनीज, ताकि वो इंडिया में आ सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने 1.2 लाख करोड़ रुपए आपके 5 साल के लिए एलोकेट करें कि उसके लिए उनको इंसेंटिव देने के लिए हम 2 लाख करोड़ रुपए आपका अलग से करते हैं। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका टेक्सटाइल सेक्टर को, उसको गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क को अनाउंस किया, और साथ में 7 टेक्सटाइल पार्क्स व्हिच विल बी एस्टैब्लिश्ड। देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। हम लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश और वियतनाम ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ज्यादा से एशिया के अंदर इंडिया को कम्पीट करते हैं टेक्सटाइल के अंदर। इंडिया इज लाइक अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब, हमारी कंट्री में कई सारे एरियाज हैं, जैसे हमारे गुजरात में एरियाज हैं, हमारे तमिलनाडु में एरियाज हैं, जहां पे हमारा प्रॉपर प्योर टेक्सटाइल का ही काम होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उन चीजों को प्रोडक्शन, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, क्योंकि जब ऑलरेडी एक चीज हमारी कंट्री में हो रही है उसको अगर हम थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे, उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, तो हम ग्लोबल लेवल पे उसको अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम ग्लोबल लेवल पे अपनी एक पहचान बना सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, एशिया के अंदर बांग्लादेश और वियतनाम ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ज्यादा इंडिया से आगे हैं, तो उनको एक तरह से उनसे कंपीट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 7 टेक्सटाइल पार्क्स को एस्टैब्लिश करने का उन्होंने प्रपोजल रखा है। और आई एम श्योर कि ये टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट, एक तरह से प्रॉपर तरीके से बूस्ट देगा, जिससे इंडिया का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और साथ में उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। देन नेक्स्ट है आपका ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी कई सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया आपके रोड्स आते हैं, आपके रेलवेज आता है, आपका एयरपोर्ट आता है, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुकी गवर्नमेंट, और इसके अंदर अभी 7400 प्रोजेक्ट्स उनके ऑन पेपर है, मतलब 7400 प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं स्टेज, कुछ उसमें से कंप्लीट हो गए, अराउंड 200 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो चुके हैं और बाकी चल रहे हैं, जो कि उनका टारगेट है कि वो अगले 2-3 साल में सब प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। अब उसकी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है उसकी फाइनेंसिंग, की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़क वगैरह बनानी है उसकी फाइनेंसिंग कहां से करनी है उन लोगों को, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोविजंस आज पास कर रहे हैं, जिसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन बना रही है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI। अब उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की 20,000 करोड़ अपने पास से डालेगी और उसमें से अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेगी कि आप लोग आइए इस इंस्टीट्यूशन के अंदर पैसा डालिए, पैसा डालेंगे आप लोगों को रिटर्न, हम लोग बाद में कुछ ना कुछ आपके किसी भी तरह से FD के रूप में किसी तरह से आपको आपका एक तरह से आपकी सेविंग होगी, इसके अंदर गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा उससे। सो DFI का उन्होंने एक प्रपोजल डाला है।
देन दूसरा है उनका एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में, कि जो गवर्नमेंट के असेट्स हैं जैसे कि उनके रोड्स हैं, टोल रोड्स हैं उनकी, गवर्नमेंट क्या करेगी, उन टोल रोड्स को बनाएगी और उसके बाद में किसी प्राइवेट वाले को दे देगी। एयरपोर्ट्स, आप सब जानते हैं आजकल जो हमारी कंट्री में 6 एयरपोर्ट्स हैं वो आज के टाइम में अदानी के पास चले गए इंप्लॉईज, तो उससे गवर्नमेंट को क्या हो गया, उससे गवर्नमेंट को पैसा मिल गया। इसके कुछ रिपरकशन इफेक्ट्स हैं जो कि मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि देखिए हर एक चीज अच्छी नहीं हो सकती। आप प्राइवेटाइज करते हैं चीजों को, आई एम श्योर उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, बट उससे कुछ रिपरकशन इफेक्ट्स हैं, अभी डिस्कस करता हूं आपसे। सेमली वो रेलवे के बारे में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को उसको मोनेटाइज करने के चक्कर में है। देन स्पोर्ट्स स्टेडियम, कि वो उनको भी हम लोग प्राइवेटाइज को दे देंगे, उनसे पैसा वहां से आ सकता है, ये सब चीजें होगी। उसके अलावा गवर्नमेंट का कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर उन्होंने कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने अनाउंस किया 5.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। देन आपका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे रेल नेशनल रेल प्लान 2030, उसके अंदर वो रेल को और ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं। उन्होंने मेट्रो के बारे में काफी सारी इस बार अनाउंसमेंट है कि मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू, दो अलग तरह की मेट्रोज को अनाउंस किया है उन्होंने, जो कि छोटे छोटे हमारे एरियाज में उनको मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। मतलब एरिया जो ऐसा नहीं कि बहुत रूरल एरियाज हैं, सेमी अर्बन टाइप के एरियाज हैं, तो उनके अंदर वो मेट्रो की नई टाइप की कनेक्टिविटी कि मेट्रो न्यू और मेट्रो लाइट के नाम से उनको वहां पे प्रमोट करेंगे, उनके लिए उन्होंने अलग अलग फंड को अनाउंस किया है। देन आपका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी जरूरी है, कोई भी काम हम लोग बिना पावर के कर नहीं सकते, सो उसके लिए भी काफी सारे प्रोविजन हैं। 3 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए अनाउंस किया पावर के लिए। देन आपका पोर्ट्स, हमें पता है कि जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी एयर से होती है उतनी ज्यादा हमारी कनेक्टिविटी पोर्ट से भी होती है, तो 7 पोर्ट्स ऑन पीपी मॉडल उसके लिए डेवलप करने की बात करी है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको 1000 करोड़ रुपए एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उसको 1500 करोड़ रुपए। देखिए हमें पता है कि धीरे धीरे जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, वो सब खत्म हो जा रहे हैं, तो नाउ ऑल द कंट्रीज आर देयर, दे आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, सो उसमें आपका सोलर आ गया, उसके अलावा आपका और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनके ऊपर काम के लिए 1000 करोड़ और 1500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए। देन आपका एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, इंश्योरेंस सेक्टर, हम सबको पता है इंश्योरेंस सेक्टर, तो गवर्नमेंट ने उसमें FTI जो फॉरेन की इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी लिमिट 49% से 74% कर दी है। ये अपने आप में अच्छा स्टेप भी है और बुरा स्टेप भी है। अच्छा स्टेप ऐसा है कि क्योंकि फॉरेन के इन्वेस्टर्स आएंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे कंपनीज के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, तो उससे एक ग्रोथ भी होगी उनकी और उनका एक जो मैनेजमेंट होता है बढ़ जाता है, तो वहां पे क्या होता है चांसेस होते हैं कंपनी की ग्रोथ के। बट इससे होता क्या, देखिए आज के टाइम में गवर्नमेंट FDI की लिमिट्स को इंक्रीज करती जा रही है हर सेक्टर के अंदर, उसके अपने आप में नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन के कंट्रोल होता है सारी कंपनीज का कंट्रोल, वो फॉरेन के हाथ में चला जाता है, सो वो अपने आप में थोड़ी सी बड़ी दिक्कत है इसका, क्योंकि देखिए हर चीज के पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी है। देन आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर कई सारे जो कॉपरेटिव बैंक थे पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक टाइप का, जहां पे उन्होंने क्या हुआ सडनली उनके मैनेजमेंट के ऊपर कोई उनके अपने करप्शन इश्यूज थे, उसके वजह से क्या हुआ RBI ने उनके ऊपर कंट्रोल लगा दिया कि आप कुछ भी कोई भी डिपॉजिटर वहां से विड्रॉ नहीं कर सकता। सो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया कि पहले उन्होंने जो लिमिट थी वो 1 लाख से 5 लाख रुपए तो कर दी थी, बट अब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया आज के बजट में कि भाई अगर कोई ऐसा बैंक अंडर स्ट्रेस चला भी आता है तो वो डिपॉजिटर अपना पैसा आराम से निकाल पाएगा, ठीक है जी। देन काफी इंपॉर्टेंट चीज आपकी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जैसा कि हम लोग हमेशा हेडलाइन सुनते रहते हैं एयर इंडिया बिकने वाली है, आपका भारत पेट्रोलियम सेल होने वाला है, तो ये हमारा डिसइन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट कई सालों से कहती आ रही है हम LIC को बेचेंगे, LIC को IPO लेके आएंगे, वो बहुत सारी बातें गवर्नमेंट 2-3 सालों से कई सालों से बात कर रही है। एयर इंडिया तो पहले 10 साल हो गए, वो आज तक बिकी नहीं है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, तो कौन खरीदेगा उसको। सो एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, IDBI एंड आपके आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 PS बैंक्स जो गवर्नमेंट बैंक्स है वो और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, वो भी उनके रडार पे है, उनको भी बेचने के चक्कर में है। सो प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, देखिए गवर्नमेंट का एम है 1.75 लाख करोड़ को एस्टिमेट है उनका कि वो इन सब चीजों को बेच के उतना 1.75 करोड़ वहां से रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 6-7 कंपनीज को बेच के सिर्फ इतना ही कर पाएंगे क्या? अगर आप इनकी नेटवर्थ भी देखोगे तो वो बहुत ज्यादा होगी, बट गवर्नमेंट को पता है कि वो पिछले जो उन्होंने लास्ट ईयर पे अपना डिसइन्वेस्टमेंट का उन्होंने बनाया था टारगेट, वो उनका था तब भी 1.5 लाख करोड़ के आसपास था, बट वो सिर्फ 20,000 करोड़ पे ही खट्टे कर पाए। लास्ट टाइम शी अनाउंस दैट 2,10,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन वो इकट्ठा सिर्फ 20,000 करोड़ ही कर पाए। अब दे सेड कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का होगा। अब आई डोंट नो कि ये एक अच्छा स्टेप रहेगा या क्या रहेगा, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा, तो उसका भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि जितनी भी धीरे धीरे क्या करके जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो धीरे धीरे करके ओवर द इयर्स प्राइवेटाइज तो हो जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब से बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में, देखिए मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, गवर्नमेंट अपनी पॉइंट पे ठीक है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है बेसिकली वो एफिशिएंसी लेके आता है, ऑब्वियसली बात है
प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए तो काम सही से कराएंगे वो लोग, जहां पे सही फायदा मिले वहीं पे काम होगा। बट पॉइंट क्या है, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप सभी उस एग्जांपल से वाकिफ हैं, बस मैं यहाँ पे उसको कोट कर रहा हूँ। जियो का एग्जांपल आप सभी को पता है, जियो ने क्या किया, पूरा एक साल आपको फ्री का इंटरनेट दिया, फ्री का कॉल दिया, ठीक है। उस टाइम पे जब जियो ने ये सारा काम किया, उस टाइम पे हमारे कंट्री में लगभग नहीं तो 6 से 7 टेलीकॉम कंपनी थी। बट हुआ क्या, जब एक साल में एक कंपनी सब कुछ फ्री में दे रही है तो सारे जो सब्सक्राइबर थे वहां पे शिफ्ट हो गए, बाकी कंपनी को लॉस हुआ और लोग एग्जिट कर गए। अब आज के टाइम में हमारी कंट्री में है कैसे 3 कंपनीज हैं, जिसमें से ऑलरेडी एक भी अपने एग्जिट करने के चांसेस है उसके, हो सकता है आपको एक साल बाद यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंपनीज मिले। तो अब हो क्या रहा है, अब आप देखिए जब आपके कंट्री में सिर्फ 2 ही कंपनीज बचेंगे टेलीकॉम कंपनीज, तो उससे होगा क्या, वो अपने मनमाने रेट आपसे वसूलेंगे। तो ये अभी जैसे मैंने आपको पीछे बोला एसेट मोनेटाइजेशन केस में कि रिपरकशन इफेक्ट्स, ये वही वाले रिपरकशन इफेक्ट्स हैं आपके, कि जब आप सब चीजें प्राइवेट को दोगे एफिशिएंसी आ जाएगी, बट वहां पे अनफेयर प्रैक्टिसेस के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो सर क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि तानाशाही हो जाएगी, एक मोनोपोली टाइप हो जाएगी? हाँ, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं मोनोपोली हो जाएगी। आप खुद ही देखिए ना, जब आपका सिर्फ रिलायंस और एयरटेल ही बचेगा तो मोनोपोली जैसा ही हो गया ना, ऑल्दो उसको हम डियोपोली कहते हैं 2 कंपनीज वाला, बट वो है तो अल्टीमेटली मोनोपोली, दोनों अपने रूम में बैठेंगे, हाँ भाई कल से 1200 रुपए का हमारा पैक बिकेगा, जब सबके है ही या तो जियो होगा या फिर एयरटेल होगा तो लेना पड़ेगा आपको 1200, और क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप उस केस में। तो वो सब चीजें हैं, प्राइवेटाइजेशन करने का यही सबसे बड़ा दिक्कत है। अडानी आज के टाइम में 6 एयरपोर्ट्स का मालिक हो गया, वो 2 साल बाद क्या उसके रेट आपसे कितने चार्जेस वसूल करेगा, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है उसके अंदर। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल आता है वो एज अ रेगुलेटर आता है, कि ये वो देखे, ये वो एंश्योर करे कि जो वो कंपनीज प्राइवेट कंपनीज प्राइसेस चार्ज करे वो एक फेयर प्राइसेस चार्ज करे, ऐसा ना हो कि वो अपने मनमाने रेट, अपनी मोनोपोली क्रिएट करके मनमाने रेट वहां पे, मतलब एक तरीके से जैसे मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है तो उस टाइप का कुछ लॉ या कुछ उस टाइप की कुछ रेगुलेशन को इम्पोज कर देना चाहिए, सो दैट मार्केट में एक मतलब एक कंपटीशन भी बना रहा है। कंपटीशन तो खैर होगा ही नहीं जब एक ही होगा, एक मतलब ये कि एक अनफेयर प्रैक्टिसेस मार्केट में ना रहे, थोड़ा इस चीज को टैकल करते हैं। देखिए जब एक ही आपका प्रोड्यूसर बचेगा तो वहां पे फिर आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक कंपटीशन ही रहेगा, कंपटीशन क्योंकि जब एक रिलायंस या अडानी जैसे लोग जिनके पास इतना ज्यादा पैसा है वो 2-3 साल तक भी अपना लॉस बियर कर सकते हैं, बट एक कोई छोटी कंपनी वहां पे एंटर करना चाहेगी तो वो लॉस बियर ही नहीं कर पाएगी, तो उसे एग्जिट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है कि गवर्नमेंट एक ऐसी चीजों को एंश्योर करे, रेगुलेशन को एंश्योर करे, ताकि ये सिचुएशन कभी एग्जिट आए ही नहीं पाए कंट्री के अंदर। बट जिस तरह से गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, और प्राइवेटाइजेशन भी बहुत लिमिटेड हाथों में जा रहा है, अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द चीजें जो है या तो रिलायंस के पास जा रही है या फिर वो अडानी के पास जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में हो सकता है इंडिया को एक दिक्कत खड़ी हो जाए यहाँ पे। तो ये कुछ हमारे प्रपोजल्स हैं हमारे सेकंड पिलर के अंदर से। इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा सेकंड पिलर में, जैसे कि आपने बताया कि पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसी के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि भाई नई नई कंपनीज आए यहाँ पर सेटअप हो, तो गवर्नमेंट को कंपनीज को भी कुछ ना कुछ राहत देनी पड़ेगी, तो वो दी है गवर्नमेंट ने। जैसे कि एक छोटा सा एक पॉइंट था, मतलब कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं दिया फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे एक कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 2 होता है, 2 क्लॉज 85, स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी क्या होता था, स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती थी जिसकी पेड अप कैपिटल अप टू ₹50 लाख है या फिर जिसकी टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है। ये लिमिट्स उन्होंने अब इंक्रीज कर दिया सो दैट इसमें और ज्यादा कंपनीज कवर हो जाए। जैसे इन्होंने क्या करा कि पेड अप कैपिटल की जो लिमिट अप टू 50 लाख थी वो 50 लाख को हटाकर इन्होंने 2 करोड़ किया, और जो टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ की थी उसको 2 करोड़ हटाकर इन्होंने 20 करोड़ कर दिया। इससे क्या होगा, लगभग 2 लाख कंपनियों को फायदा होगा। किस तरीके से फायदा होगा, स्मॉल कंपनी को कई सारी रिलैक्सेशन मिलती थी, अब वो रिलैक्सेशन आप और भी ज्यादा कंपनीज को मिलेंगी, तो इससे क्या होगा कि कंपनीज की मैनेजमेंट ठीक तरीके से हो पाएगी, उनको कंप्लायंस बेटर उनका बेसिकली कम हो पाएगा। एक होती है सर 1% कंपनी, तो 1% कंपनी को ग्रो करने के लिए, 1% में क्या होता है कि एक ही बंदा कंपनी का ओनर बनता है वही चलाता है, ठीक। तो 1% कंपनी को, 1% कंपनी लोग बना तो लेते थे लेकिन उसमें कुछ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे कि भाई किस तरीके से ग्रो करे, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट एक नई प्रोविजंस लेके आई है। लाइक गवर्नमेंट ने उनको 1% कंपनी के ऊपर से कोई कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट हटा दी है और बोल दिया गया है कि वो किसी भी टाइम पे किसी भी टाइप की कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक ओपीसी वांट्स टू कन्वर्ट इन प्राइवेट कंपनी, कभी भी कर सकते हैं वो, इन पब्लिक कंपनी कभी भी वो कर सकते हैं। एक उनमें रेजिडेंस इंडियन की, इंडियन सिटीजन की एक टाइम लिमिट होती थी कि अगर उसमें ओपीसी इंडियन सिटीजन की है तो वो लगभग 182 डेज उनकी इंडिया में स्टे होनी चाहिए, तो उन्होंने रिड्यूस करके उसे 120 डेज कर दिया है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा कि NRI कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट ओपीसी इन इंडिया, कि कोई NRI है वो भी इंडिया में अब ओपीसी 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। एक जैसे जहां पर ट्रिब्यूनल वगैरह होता है, जैसे NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसका जो फ्रेमवर्क है इसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उन्होंने गवर्नमेंट ने स्ट्रेंथन भी किया। ई कोर्ट का सिस्टम वो लेके आए हैं कि सारी जो कंप्लायंस वगैरह होगी, सारी जो सेटलमेंट वगैरह होगी, सारी जो एडजुडिकेशन वगैरह होगी वो सब इलेक्ट्रॉनिक मोड पे होगी, डिजिटल मोड पे होगी, एज दे डन इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में उन्होंने पहले ही कर दिया ई असेसमेंट, ई अपील्स वगैरह।
और इस साल उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसका एक नया वर्जन वो लॉन्च करने जा रहे हैं एमसीए 3.0, जिससे काफी और चीजें डिजिटाइज हो जाएंगी, लाइक ई कंसल्टेशन, ई कंप्लायंस, ई एडजुडिकेशन। तो ये सारी चीजें मतलब डिजिटल इकोनॉमी की तरह काफी अच्छे तरीके से मूव करते जा रहे हैं। ठीक, तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पिलर। तो थर्ड पिलर हमारा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट ने ज्यादातर एग्रीकल्चर एरिया फार्मर्स को कवर किया, और जो जरूरी भी था कि गवर्नमेंट सेट की भाई फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। अब वो जानेंगे अच्छे चीज से कि किस तरीके से वो डबल हो जाएगी, क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए जैसे हम सभी मतलब पिछले 2-3 महीने सुन रहे हैं, फार्मर्स जो किसान है वो अन्नदाता है, तो इसीलिए जब अन्नदाता है तो थर्ड पिलर है उसमें सिर्फ अन्नदाता कवर नहीं हुआ, उसमें हमारा रूरल एरिया भी कवर हुआ है, उसमें हमारे एमएसएमई जो छोटे बिजनेसेस होते हैं रूरल एरियाज में, जो जो अपना लोग काम लोग करते हैं उनको हम लोग एमएसएमई कहते हैं, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो उनको भी गवर्नमेंट ने इसके अंदर कवर किया, क्योंकि एस्पिरेशनल इंडिया, यहाँ पे इंक्लूसिव की बात भी कर रहे हैं हम लोग, एस्पिरेशनल इंडिया की बात भी कर रहे हैं। तो जब तक आप रूरल एरियाज को अर्बन के साथ मिला के साथ नहीं चलाएंगे तब तक आपका डेवलपमेंट पूरा नहीं पाएगा। तो इसके अंदर जैसे कि बताया इन्होंने कि एग्रीकल्चर साथ में अदर एक्टिविटीज उन सबको गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया, सो एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर्स, रूरल इंडिया, माइग्रेंट वर्कर्स, इन सबको गवर्नमेंट ने इस पिलर के अंदर इंक्लूड किया। सो इसके अंदर जैसे गवर्नमेंट ने बताया था कि यहाँ पे इस प्रॉपर, अगर मैं ये बात बोलूँ कि मैं आपको बहुत क्लियरली बात बोलता हूँ, ये प्रॉपर जो पिलर है यहाँ पे गवर्नमेंट ने नए कुछ अनाउंसमेंट नहीं करे। उसका रीजन ये रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी जो मई में आत्मनिर्भर योजना अनाउंस करा था, आत्मनिर्भर मिशन, वहां पे गवर्नमेंट ने ज्यादा जो फोकस था वो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, फिशरीज, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था। तो जब ऑलरेडी गवर्नमेंट अपनी काफी सारी योजनाएं वहां पे अनाउंस कर चुकी है, तो इस टाइम पे इस बजट के अंदर गवर्नमेंट के पास ज्यादा कुछ अनाउंस करने के लिए था नहीं। पहले वो चीजें मतलब मार्केट जो आपका आपका ग्राउंड लेवल है वो चीज वहां तक पहुंचे, वो इंप्लीमेंट हो सके, अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ज्यादा कुछ था नहीं। गवर्नमेंट ने जो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ चीजें अपनी बताई पुरानी कि हम जो एमएसपी ले रहे हैं, जो आपका वीट का, पैडी का, अलग अलग का प्रोक्योरमेंट जो गवर्नमेंट करती है, वो कितना कितना टाइम्स गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया। एक चीज जो हम सबको पता है कि फार्मर्स जो लॉज, अभी जो काफी सारा दिल्ली में दिक्कतें चल रही हैं आप सबको पता है, तो फार्मर्स की दिक्कत है, देखिए जो नए लॉज हैं वो अपने आप में कुछ ठीक भी हैं, कुछ अपने आप में उनमें दिक्कतें भी हैं। जैसे फार्मर्स हमेशा कह रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए, आप एमएसपी को एंश्योर कीजिए, बट कभी भी एमएसपी आज तक आपकी किसी भी लॉ का पार्ट ही नहीं था, वो पहले भी कभी लॉ का पार्ट नहीं होता, अब गवर्नमेंट नए लॉ में कैसे उसको इंक्लूड कर ले। बट गवर्नमेंट इज सेइंग कि वी आर एंश्योरिंग यू दैट एमएसपी विल बी देयर, और अभी भी आज भी गवर्नमेंट ने प्रपोजल में जो बजट में बोला कि एमएसपी इज ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है वीट की, पैडी की, जिनके लिए भी गवर्नमेंट एमएसपी करती है, उसका हम आपको 1.5 टाइम दे रहे हैं। तो मतलब जो 50% है बेसिकली आपका प्रॉफिट ही है। सो उसके बाद गवर्नमेंट ने, क्योंकि हम रूरल इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो स्वामित्व स्कीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, जो रूरल एरियाज में हाउस को बनाती है और उनका ऑनरशिप रूरल एरियाज के लोगों को ही दे देती है, सो उनको बेनिफिट करने के बारे में उनका डेटा गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने आज बोला। देन एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट, जो एग्रीकल्चर जो आपके फार्मर्स हैं, जो वुमेन हैं, जो रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं, उनका उनको क्रेडिट, उनको उधार पर पैसा देने का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा 16.5 लाख करोड़ रुपए का। सो वो अपने आप में बहुत जरूरी वाली चीज है, क्योंकि जब फार्मर्स को पैसा मिलेगा एज अ क्रेडिट तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, उनके पास कोई भी कोलेटरल रखवाने के लिए जगह नहीं होती, अपनी जमीन होती है, जमीन रखवा देंगे, क्योंकि फार्मिंग आपकी अनसर्टेन है, वो खराब हुई तो जमीन भी चली आएगी। सो क्रेडिट वहां पे जब तक गवर्नमेंट इजीली इंश्योर नहीं करेगी तब तक अपने आप में वहां पे दिक्कतें रहेंगी। देन आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वो गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ अनाउंस किया। देन माइक्रो इरिगेशन के लिए आपका 10,000 करोड़, एंड ईएम जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जहां पे कोई भी फार्मर अपनी जो उसकी क्रॉप प्रोडक्शन है उसको सेल कर सकता है ऑनलाइन। सो उसके अंदर उन्होंने 1,000 नई मंडी उसको भी इंक्लूड कर दिया, जो ऑल ओवर इंडिया में आपकी मंडीज होंगी 1,000, उसको ईएम के अंदर उन्होंने इंक्लूड कर दिया, ताकि फार्मर्स अपनी वहां पे क्रॉप सेल कर सकते हैं। देन कुछ फिशरीज के लिए, फिशिंग सेक्टर के लिए उन्होंने फिशिंग हार्बर्स वगैरह, फिशिंग लैंडिंग सेंटर्स एंड सीवीड फार्मिंग, क्योंकि सीवीड फार्मिंग आज के टाइम में क्या है, अपने आप में काफी ग्रोइंग आपका एरिया है। सीवीड में बेसिकली क्या होता है, जो आपके ओशियंस होते हैं, समुद्र होते हैं, उसके नीचे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे एक्सट्रैक्शन होती है, वो हमारे कहाँ पे काम आती है, फार्मास्यूटिकल के अंदर आती है, हमारे खाने के काम आती है, बहुत सारी जरूरतें हमारी पूरी करती है, तो सीवीड्स जो होते हैं उनके फार्मिंग को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। सो ये कुछ हमारे सेक्टर्स हो गए। जैसे अब हम, क्योंकि हम माइग्रेंट वर्कर के बारे में बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उसी टाइम पे अनाउंस किया था हमारे आत्मनिर्भर के अंदर वन नेशन वन रेशन कार्ड, तो आपका एक रेशन कार्ड होगा वो पूरे आपके इंडिया में काम करेगा। सो उसी के बारे में उन्होंने दोबारा बोला, एंड एमएसएमईज को उन्होंने 15,700 करोड़ रुपए देने का बजट में अनाउंस किया। तो ये कुछ चीजें थी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला आप लोगों, क्योंकि ऑलरेडी सब चीजें रूरल इंडिया के लिए, फार्मर के लिए अनाउंस की जा चुकी है, तो ज्यादा कुछ बजट में उनके बारे में आज था नहीं। और जो नए फार्मर लो फार्मिंग लॉज है उसके बारे में, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर है तो उनका कुछ बोलने का वहां पे मतलब बनता नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिलर, दैट इज रीइन्वोगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आइए जानते हैं।
देखिए अगेन इस सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कुछ नया अनाउंसमेंट नहीं किया, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, तो अभी उसी के बारे में उसी को अच्छे से इंप्लीमेंट जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस एजुकेशन पॉलिसी में आपका आपकी प्राइमरी एजुकेशन, आपकी सेकेंडरी, आपका हायर एजुकेशन सब कुछ कवर हो रहा है। वो पूरे मॉडल को ही आपके एजुकेशन पॉलिसी में जो इंडिया में है एजुकेशन सिस्टम है उसी को पूरा चेंज कर रहे हैं, तो पहले वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो तभी कुछ भी नया करने का फायदा है। बट स्टिल गवर्नमेंट ने कुछ छोटी छोटी चीजें करी है, जैसे 15,000 नए स्कूल्स खोलने के बारे में बात करी है, 100 नए सैनिक स्कूल्स खोलने के बारे में बात करी है। देन एक गवर्नमेंट हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगी, उसका काम क्या होगा, जो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं उनकी फंडिंग, उनकी एक्रेडिटेशन, उनके रेगुलेशन, वो सारे काम कौन करेगी, हायर एजुकेशन कमीशन। देन आपका सबसे ज्यादा एक अलग से एक पॉइंट था जो कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिक करना चाहता हूँ, आप सबको पता है जैसे कि लेह लद्दाख 2019 में पहले वो यूनियन टेरिटरी थी, अब वो कंट्रोल प्रॉपर पूरा कंट्रोल आ गया, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे अनाउंस किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे लेह के अंदर वो ओपन करेंगे। देन आपका एक काफी इंपॉर्टेंट चीज नेशनल एप्रीहेंटिशिप प्रमोशन स्कीम, ये ऑलरेडी 2016 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी, और इसके अंदर गवर्नमेंट ने इंडिया जापान का ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है इनका, उसमें क्या होता है जापान के पास जो भी आपके इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी होती है वो यहाँ के लोगों को सिखाते हैं, यहाँ के लेबर को सिखाते हैं ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो सके। और सेम चीज अब इंडियन गवर्नमेंट बात कर रही है यूएई के साथ कि वहाँ की भी जो ट्रेनिंग स्किल्स होंगी वो यहाँ के लोगों को सिखाई जाएंगी, यहाँ के लेबर को सिखाई जाएंगी। तो ये बहुत ज्यादा, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला आपको, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कुछ गवर्नमेंट ने नया चीजें नहीं करी अनाउंस, बहुत सारा चीजें अनाउंस नहीं करी, बहुत छोटी छोटी चीजें अनाउंस करी जिसके बारे में आपको यहाँ पे बता दी। इस एरिया में मुझे लगता था कि यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए था, क्योंकि इट इज द नीड ऑफ द आवर, ऑनलाइन एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ अच्छी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए थी सो दैट वो करंट, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन वो तो इस समय की रिक्वायरमेंट है, वहां पर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए था। चलिए जी नेक्स्ट पिलर पे आते हैं, दैट इज योर इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखते हैं जी अगेन यहाँ पे भी आपके पास, देखिए सारी बात क्या, ये बजट काफी ज्यादा आप ये समझिए, ये बजट जो है आपका जो मई में चीजें अनाउंस हुई हैं उस अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ज्यादा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि उसी का जो वो बजट जो आपका अनाउंस हुआ था आत्मनिर्भर भारत का, उसका ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट ने बोला था अमाउंट वो 20 लाख करोड़ था। आप सोचिए अगर गवर्नमेंट वहां पे 20 लाख करोड़ पे खर्च कर देगी, एक्चुअल में 20 लाख करोड़ पे नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोविजन बनाए हैं उसके अंदर लोन के लिए कि अगर लोन आपके बैड डेट्स होते हैं तो हम उसको रीपे करेंगे, तो 20 लाख करोड़ पे इस तरह से जाके वो बनता है। एक्चुअल में गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ पे खर्च नहीं कर रही, बट क्या था वहां पे हर एक सेक्टर को, पूरे इंडिया को उन्होंने हर एक सेक्टर के चेंज करने के लिए वहां पे उन्होंने पॉलिसीज अनाउंस कर दी थी, तो इसलिए इस बजट के अंदर बहुत ज्यादा नई नई चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी नहीं। इनोवेशन की जब हम बात करते हैं, आरएनडी की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बात करी, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, पिछले 2-3 सालों से जब से हमारा नोटबंदी हुआ, जब से हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद से डिजिटल पेमेंट काफी ज्यादा बूस्ट हुआ है, और गवर्नमेंट चाहती है क्योंकि उससे आपका करप्शन वगैरह काफी कम हो जाता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि डिजिटल पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। देन आपका नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको अलग अलग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा सके, ताकि अलग अलग, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनमें कन्वर्ट करके ताकि हर एक आदमी उनको पढ़ सके, उनको एक्सेस हो सके उस चीज का। देन आपका स्पेस के अंदर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिस जो अभी PSLV CS51 को लॉन्च करेगा, देन गगनयान वगैरह के बारे में, देन आपका एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इनोवेशन के बारे में हम लोग बात करें, तो डीप ओशियन माइनिंग के बारे में उन्होंने बात करी, जिसको उन्होंने 4,000 करोड़ का उन्होंने एलोकेट किया फंड। सो इनोवेशन आरएनडी में मोर और लेस यही आपके प्रोविजन से ज्यादातर। एंड सर व्हाट अबाउट फिस्कल पोजीशन, फिस्कल पोजीशन के बारे में भी कुछ बताइए सर। फिस्कल पोजीशन जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट ने कवर किया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कवर किया हमारे 6 पिलर के अंदर, विच इज मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। देखिए इसका बेसिकली पिलर का मैं आपको अगर मतलब बताऊं तो मिनिमम गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट साफ कह रही है कि भैया हम कुछ नहीं करने वाले, हम क्या करेंगे मिनिमम गवर्नमेंट, हम कुछ काम नहीं करने वाले, हम क्या करेंगे मैक्सिमम गवर्नेंस, हम सिर्फ रेगुलेट करेंगे चीजों को। देखिए होता भी वैसे, जब हम डेवलप कंट्रीज के बारे में बात करते हैं वहां पे यही होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ गवर्नेंस का काम करती है, सिर्फ रेगुलेशन का काम करती है, दे आर नॉट इन द प्रोडक्शन और दे आर नॉट इन द सेलिंग थिंग, दे आर ओनली रेगुलेटिंग द एक्जिस्टिंग फर्म्स। वही गवर्नमेंट, वही आपके डेवलप्ड जो कंट्री होती है वहां पे यही सब काम हो रहा होता है। तो अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी अपने आपको उस रास्ते पे लेके जा रही है, इसीलिए जो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट है, हमारी प्राइवेटाइजेशन है, वो शो कर रही है कि इंडियन गवर्नमेंट पूरा मूड बना चुकी है कि 2024-25 तक हम अपने आपको पूरा उस ट्रैक पे ले जाएंगे। जैसा मैंने आपको बोला, अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी है, रेगुलेशन हमें पता है हमारी गवर्नमेंट कितना अच्छा रेगुलेशन करती है, नहीं कर पाती है, वो टाइम बताएगा। बट जैसे इन्होंने बोला, अभी वरुण जी ने बोला कि फिस्कल पोजीशन के बारे में, तो जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट था लास्ट ईयर कि हम कमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना खर्चा करने वाले हैं वो था 30 लाख करोड़ रुपीज का, बट क्योंकि कोरोना वायरस आ गया और बहुत सारी चीजें वैसे हो गई, तो अब उन्होंने अपना एस्टिमेट को रिवाइज कर दिया और वो बन गया 34.5 लाख करोड़। तो ऑलरेडी 4.5 लाख करोड़ यहाँ पे उनका खर्चा ज्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर इनका एस्टिमेट है अभी,
हो सकता है जो 31 मार्च 2021 तक जो एक्चुअल डेटा आएगा वो इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना एंड अदर थिंग्स, क्योंकि गवर्नमेंट को काफी सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ा। हम जैसे जानते हैं अप्रैल के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो लोगों के पास खाना नहीं था वो खाना प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने, शेल्टर प्रोवाइड किया, उसके अलावा उनका ट्रांसपोर्टेशन, वो सब चीजें मिला के उसके साथ में जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से वहाँ पे सारा फ्री ट्रीटमेंट हो रहा था, अभी कोरोना वैक्सीन के ऊपर जो सब्सिडी जा रही है वो सारी चीजें, तो हो सकता है एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा भी हो। देन जब हम फिस्कल क्वेश्चन की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है हमारी फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट जो कि गवर्नमेंट का टारगेट तो बहुत कम था, गवर्नमेंट का एम था कि हम लोग जो हमारी फाइनेंस कमीशन थी उसका एम था 3% के आसपास फिस्कल डेफिसिट हमें लेके आना है कोरोना आने से पहले, कोविड के आने से पहले। बट अभी जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है वो ये है कि 9.5% ऑफ जीडीपी होगा। सो काफी ज्यादा है अपना फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का अल्टीमेटली डेफिसिट का मतलब ये होगा कि आपके पास पैसा नहीं है पर आप खर्चा कर रहे हो, और 10% ऑफ जीडीपी अगर आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो तो पैसा कहां से लाओगे उसको पूरा करने के लिए? वो पैसा कहां से लाएगी गवर्नमेंट? बोरोइंग्स करके। बोरोइंग्स अगर आपने इस साल करी तो आपको अगले साल उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो आपका डबल एक तरह से बर्डन उसके ऊपर आ जाता है। और नेक्स्ट ईयर के लिए गवर्नमेंट का टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का 6.5%। सो लेट्स सी गवर्नमेंट इसको कितना अचीव कर पाती है। तो सर क्या हम इसमें एक चीज कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट तो उसके लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो चाहिए, रेवेन्यू बोरिंग्स तो ठीक है सर, बोरिंग्स तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू नहीं है, वो तो एक तरीके से लोन है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है, वो अलग से एक लाइबिलिटी है। मेरे हिसाब से रेवेन्यू सिर्फ गवर्नमेंट का टैक्स से आ सकता है। अभी तो उन्होंने मना कर दिया कि भी टैक्स कलेक्शन में कुछ उन्होंने बोला नहीं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कुछ ज्यादा बर्डन डालेंगे। क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में या आने वाले कुछ कमिंग ईयर में वो टैक्स कलेक्शन के लिए कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ टैक्स रेट्स को बढ़ा दे सो दैट टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो सके, तभी तो फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस होगा? देखिए टैक्स ऐसी चीज है आप उसको कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है क्योंकि ऑलरेडी देखिए इस टाइम पे बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोविड ऑलरेडी डिमांड काफी कम है। अब अगर आप टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे आपकी डिमांड और एडवर्सली इफेक्ट होगी उससे, तो आप टैक्सेस को तो गवर्नमेंट बढ़ा नहीं सकती इस टाइम पे। बट जैसे कि अभी हमने बात करी डिसइन्वेस्टमेंट की, प्राइवेटाइजेशन की, एसेट मोनेटाइजेशन की, वहां से गवर्नमेंट का एम है वहां से पैसा को रेवेन्यू को जनरेट करने का। और साथ में गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी अपनी जो उनकी फर्म्स है उनकी कंपनीज उनको सेल कर रही है, उनको सेल करेगी, उससे होगा क्या, जो गवर्नमेंट को सैलरी पे करनी थी एम्प्लॉइज को वो खत्म वहां से, तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉइज को सैलरी पे करनी है वो खत्म हो गया। सारी कंपनीज लॉस अगर बियर कर रही है, एयर इंडिया जैसे है आपकी वो लॉस बियर कर रही है, तो वहां पे खत्म उनका काम। तो वो सब चीजें गवर्नमेंट का जो मेन एम है वो गवर्नेंस की तरफ जाने का जो मेन एम है वो अपने आप ही उनको स्ट्रैक पे ले जाएगी, आपका डेफिसिट अपने आप कम होता चलेगा, आप खर्चा जो आपका खर्चा होगा वो आपका सिर्फ सड़क बनाने के ऊपर खर्चा होगा, आपका एम्प्लॉइज को सैलरी पे करने का खर्चा खत्म हो जाएगा, वो खर्चा कम होगा अपने आप आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का एम है, इसलिए गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है कि हमारा काम क्या है, गवर्नमेंट का काम खत्म हो जाएगा सिर्फ गवर्नेंस का काम रह जाएगा। सो ये गवर्नमेंट का एम है, लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें इश्यूज भी हैं, हम बात करना चाहेंगे तो बहुत लंबी बात कर सकते हैं इस चीज के बारे में, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ बजट के बारे में डिस्कस कर रहे थे मैं उन चीजों के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। तो दिस इज द पार्ट ए ऑफ द बजट एंड लेट्स डिस्कस अबाउट पार्ट बी। देखो पार्ट बी में कुछ खास है नहीं, टैक्सेशन के ऊपर पार्ट बी है, उसमें कुछ ज्यादा गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स या कुछ ज्यादा प्रपोजल उन्होंने डाले नहीं है क्योंकि वो लास्ट बजट में ही काफी सारी अमेंडमेंट्स कर चुके थे, तो बार बार अमेंडमेंट रिपीट करना उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन स्टिल जो भी छोटी मोटी चीजें हैं लेट्स डिस्कस। तो पार्ट बी टैक्सेशन, इसमें सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में रिटर्न फाइलर्स का एक जो नंबर है वो काफी इंक्रीज हो गया है। लगभग गवर्नमेंट का डेटा था कि 2017 या 16 के आसपास की बात है लगभग 300,000 करोड़ रिटर्न फाइलर्स थे, नाउ इट हैज इंक्रीज टू टू टाइम्स, now it is 6.48 crore return filers in India as per the previous data 2020 data, and government have initiated about faceless appeals, faceless assessment in order to reduce the corruption, kafi corruption is reduced ho gaya hai faceless appeals faceless assessment se। ek government ne ek acha proposals initiate kiya hai for senior citizen jinki age hai 75 years and above, wo senior citizens jinki income hai sirf pension income and interest income, तो उनको रिटर्न फाइल करने की अब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब वो रिटर्न फाइल करे बिना उनका काम चल जाएगा, मतलब कोई उनके ऊपर कोई पीनल प्रोविजन नहीं लगेंगे फॉर नॉट फाइलिंग द रिटर्न। हाँ अगर उनकी कोई टैक्स लिमिट बनती है, उनकी कोई टैक्सेबिलिटी होती है, तो उनका ऑलरेडी जैसे बैंक्स वगैरह से उनकी कोई पेंशन या कोई टीडीएस वगैरह आता है, इंटरेस्ट वगैरह आता है, तो ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट होकर आएगा, उनको अलग से कोई रिटर्न प्रोसेस करने की फाइल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज एक असेसमेंट के ऊपर पॉइंट होता था, बहुत पुराना प्रोविजन था कि असेसमेंट के जो केसेस थे वो गवर्नमेंट के हाथ में थे कि वो 6 साल पुराने केसेस भी ओपन कर सकती है, मतलब अगर कोई 6 साल पुराना केस चल रहा है तो मतलब 6 साल हो गए किसी केस को, तो वो गवर्नमेंट कभी भी उसे केस को ओपन कर सकती है, और अगर कोई सीरियस फ्रॉड है उस केस में 10 साल तक की टाइम लिमिट है कि 10 साल पुराना भी केस खुल सकता है। लेकिन ये बहुत पुराना प्रोविजन था,
आजकल ये चीज है क्योंकि फेसलेस चीज आ गई है तो इस टाइम लिमिट को रिड्यूस करना चाहिए था और गवर्नमेंट ने इस टाइम लिमिट को रिड्यूस कर दिया है। नाउ दिस 6 इयर्स टाइम लिमिट हैव बीन रिड्यूस्ड टू 3 इयर्स ओनली एंड फॉर द सीरियस केसेस गवर्नमेंट सेड क्लियरली सेड कि इफ देयर इज एविडेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इनकम ऑफ 50 लाख एंड मोर, अगर 50 लाख से ऊपर 50 लाख या उससे ज्यादा की इनकम की चोरी करता है कोई बंदा तो 10 साल पुराना केस खुल सकता है, लेकिन इसके लिए भी अप्रूवल चाहिए होगी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि सबसे हायर अथॉरिटी होती है इन द इनकम टैक्स। तो असेसमेंट के ऊपर भी कह सकते हैं कि काफी अच्छा इन्होंने प्रोविजन लाया कि ज्यादा पुराने पुराने केसेस अब ओपन नहीं करते क्योंकि पब्लिक को इससे बड़ी देखो अनसर्टेनिटी थी, उनको पता था कि कभी भी हमारा केस खुल सकता है, ठीक है, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पर थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च करी थी जिसमें क्या था कि कोई भी पर्सन का अगर कोई टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है तो वो पर्सनली खुद से जाकर उसको रिजॉल्व करवा के आ सकता था बाय पेइंग सम अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने स्मॉल टैक्सपेयर्स के लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी सेटअप करी है। दिस इज टोटली फेसलेस और इसमें उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख है और जिसका डिस्प्यूटेड टैक्स का अमाउंट अप टू 10 लाख है तो वो डीआरसी के पास जाके अपनी डिस्प्यूट को सेटल कर सकता है। टोटली फेसलेस, ये भी फेसलेस है, कुछ भी यहाँ पर फिजिकल मतलब फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी तो करप्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी यहाँ पर। फेसलेस ITAT सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वो भी फेसलेस कर देगी, जो भी ट्रिब्यूनल पे जो भी बातचीत होगी वो सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी और सारा फेसलेस सिस्टम रहेगा, डिजिटली वहां पर सारी चीजें करी जाएंगी। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं NRIs वगैरह होते हैं उनको डबल टैक्सेशन के ऊपर कई बार उनको बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी। दिक्कत क्या होती थी कि जैसे वो अगर उनकी इंडिया में इनको ही इनकम अक्रू होती है तो उनको इंडियन इनकम पे भी टैक्स पे करना है, बाहर भी वो टैक्स पे कर रहे हैं तो इंडियन एक क्या होता है फाइनेंशियल ईयर का भी चक्कर पड़ जाता था। यहाँ पर अप्रैल टू मार्च चलता है और बाहर के देशों में जनवरी टू दिसंबर चलता है तो जो यहाँ पर वो टैक्स पे करते हैं तो उसका रिलीफ उनको इजीली बाहर कंट्रीज में नहीं मिल पाता था। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लेके आया कि वो एक रूल्स बनाएंगे टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन कि NRI को कभी भी डबल टैक्सेशन की कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अगर मैं ऑडिट्स की बात करूं, एग्जेम्पशन इन ऑडिट, अर्लियर जो ऑडिट की जो लिमिट थी टर्नओवर लिमिट थी दैट इज अप टू 5 crores, वैसे तो नॉर्मल लिमिट देखा जाए तो वो है 1 crore एंड अबव अगर किसकी कोई टर्नओवर है तो उनको ऑडिट कराना है, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 crore की लिमिट को 5 crore तक कर दिया था कि अगर कोई पर्सन 95% ट्रांजेक्शन डिजिटली करता है तो वो 5 crore तक की टर्नओवर पे उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। नाउ टू प्रमोट द डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस लिमिट को 5 crore से बढ़ाकर और 10 crore तक कर दिया है कि अगर 10 crore तक पर्सन कोई अपनी ट्रांजेक्शन कर रहा है, टर्नओवर है उसकी 10 crore तक की और 95% टर्नओवर जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो डिजिटल मोड में है तो उसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिविडेंड के ऊपर इन्होंने काफी अच्छा इस बार ये लेकर आए डिविडेंड, देखो DDT इन्होंने लास्ट ईयर अबॉलिश कर दिया था और डिविडेंड जो इनकम थी वो टैक्सेबल कर दी थी इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक। तो यहां पर एक दिक्कत आ रही थी कि जो शेयर होल्डर था उसको एडवांस टैक्स अगर पे करना होता था तो उसको यही नहीं पता लगता था कि भाई डिविडेंड मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एक एस्टिमेट नहीं कर पाता था। तो गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेके आए कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी तभी अराइज होगी इफ जिस कंपनी के आपके पास शेयर है उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया हो या पे कर दिया हो, तभी ऑब्वियसली सर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड तभी आ सकती है, अदरवाइज पता ही नहीं लगता कि डिविडेंड आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद डिविडेंड के ऊपर एक TDS भी कट जाता था, विदहोल्डिंग टैक्स, दैट ऑल्सो हैव बीन रिमूव नाउ कि अब डिविडेंड के ऊपर कोई भी TDS नहीं कटेगा। ओके, अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी कि अगर कोई पर्सन अफोर्डेबल हाउसिंग कोई लेता है या फिर उसका कोई लोन वोन ले रखा है तो उसके लिए गवर्नमेंट हैव अनाउंस्ड 1.5 lakh एडिशनल डिडक्शन, एडिशनल डिडक्शन मिलती थी लेकिन उसकी टाइम लिमिट थी कि इफ द लोन इज टेकन अप टू 31 मार्च 2021। नाउ दिस टाइम लिमिट हैव बीन इंक्रीज टू 31 मार्च 2022 कि 2022 तक अगर कोई पर्सन लोन लेता है तो उसको 1.5 lakh तक की डिडक्शन मिल जाएगी। सिमिलरली अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन केस ऑफ हाउसिंग बोर्ड कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग बोर्ड है उनको टैक्स हॉलीडे दी गई थी और वो भी थी 31 मार्च 2021 तक की, नाउ दिस टाइम लिमिट हैव आल्सो बीन इंक्रीज टू 31 मार्च 2022। उसके बाद अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं तो स्टार्टअप्स को भी टैक्स हॉलीडे दिया गया था अप टू 31 मार्च 2021, नाउ दिस हैव बीन इंक्रीज टू 31 मार्च 2022। और अगर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है इन द स्टार्टअप्स तो उसका भी जो कैपिटल गेन होता था कि अगर सेल शेयर्स वगैरह सेल करके और उसको कोई कैपिटल गेन होता था दैट आल्सो बीन एग्जेम्प्टेड, तो वो टाइम लिमिट भी उन्होंने 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, इनकम टैक्स रिटर्न थी तो इनकम टैक्स रिटर्न में कई सारी चीजें ऑलरेडी प्रीफिल्ड आ रही थी फॉर्म में, लाइक
सैलरी इनकम प्रीफिल डालती थी, इंटरेस्ट इनकम प्रीफिल डालती थी, कोई टैक्स पेमेंट उन्होंने कर रही है तो वो प्रीफिल डालती थी, टीडीएस जो उनका डिडक्ट हो चुका है वो सब प्रीफिल डालती थी। अब उन्होंने और चीजें भी ऐड कर दी है इन द प्रीफिल्ड आईटीआर, लाइक अगर कोई लिस्टेड कंपनी से कैपिटल गेन है वो भी प्रीफिल्ड आएगा, अगर कोई डिविडेंड मिला है लिस्टेड कंपनी से वो भी प्रीफिल्ड आएगा, अगर कोई बैंक से या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट वगैरह मिला है वो भी उनका प्रीफिल्ड आएगा। बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि पर्सन के कंप्लायंस कम हो जाए, क्योंकि कंप्लायंस में लोग लगे रहते थे, आगे वो चीजों पर सोच ही नहीं पाते, तो कंप्लायंस बर्डन वो थोड़ा सा कम करना था। एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट ये लेकर आए अबाउट पीएफ कंट्रीब्यूशन। जनरली क्या होता था कि एम्प्लॉयर जो होता था वो एम्प्लॉय का पीएफ काटता था और उसको डिपॉजिट नहीं कराता था, इससे एम्प्लॉय को क्या होता था, इंटरेस्ट का लॉस हो जाता था। भाई एम्प्लॉयर ने जमा नहीं कराया टाइमली, एम्प्लॉय का तो इंटरेस्ट का लॉस हो गया, क्योंकि वो डिपॉजिट नहीं होता उसको इंटरेस्ट कहां से मिलेगा। नाउ गवर्नमेंट हैज मेड द अमेंडमेंट कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का पीएफ काट लिया और वो डिपॉजिट नहीं कराया तो उस डिडक्शन की इंप्लॉय को एज अ एक्सपेंडिचर अलाउंस नहीं मिलेगी, मतलब वो खर्चा उसको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्होंने काट लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया। तो दिस इज द गुड अमेंडमेंट जो मुझे लगता है। उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट है, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है या कोई हॉस्पिटल चला रहा है तो उसके लिए कई सारे रिलीफ थे इफ देयर रिसीट्स इज अप टू 1 करोड़। नाउ दिस 1 करोड़ लिमिट हैव बीन इंक्रीज टू 5 करोड़। ठीक, तो ये कुछ डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में, डायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट्स थी। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजें कर रखी है, लाइक गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड द स्कीम ऑफ नील रिटर्न फाइलिंग, कि अगर कोई जीएसटी रिटर्न नील फाइल करता है तो वो थ्रू एसएमएस करी जा सकती है। क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम क्यूआरएमपी स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड, प्रीफिल्ड रिटर्न्स हैव बीन गिवन, ई इनवॉइसिंग का सिस्टम है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, तो गवर्नमेंट ने फिलहाल जीएसटी में मैं बोलूंगा कि कुछ नहीं किया, लेकिन करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। लेकिन गवर्नमेंट सेड कि जीएसटी काउंसिल या जीएसटी नेटवर्क को और स्ट्रेंथन किया जाएगा सो दैट जो जीएसटी चल रहा है वो थोड़ा स्मूथ तरीके से चला लिया जाए। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो इस समय जीएसटी स्मूथ तरीके से नहीं चल रहा है, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट सेड कि वो स्मूथ तरीके से चलेगा तो उसको कुछ ना कुछ स्ट्रेंथन किया जाएगा। बिकॉज सर जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में एकदम से अमेंडमेंट नहीं करी जा सकती, क्योंकि जब तक इनडायरेक्ट टैक्स लोग प्रैक्टिकली उसको यूज नहीं करते ना तब तक नहीं पता लगता। इनकम टैक्स में क्या होता है कि इनकम टैक्स तो साल में एक बार होता है, पर्सन को इनकम टैक्स साल में एक बार भरना है, रिटर्न उसको एक बार फाइल करनी है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इज अ रेगुलर टैक्स। तो रेगुलर टैक्स में जब तक लोगों को एक्चुअली में, जब तक गवर्नमेंट के पास नहीं आएगी एक्चुअली लोगों से कंप्लेंट की ये दिक्कत है ये वो दिक्कत है, तब तक गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर नहीं सकती है। ठीक, उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें उन्होंने कस्टम में भी करी है, कस्टम ड्यूटी के उन्होंने रेट्स को चेंज किया है। देर आर सम लगभग 80 एग्जेम्पशंस थी जो बहुत पुरानी पुरानी थी, उनको उन्होंने विड्रॉ कर दिया है, कोई 400 आइटम थी उनके ड्यूटी को उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। अगर मैं बात करूं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल एक्सेसरीज पे पहले कस्टम ड्यूटी नहीं थी, नील थी, नाउ इट हैव बीन इंक्रीज 2.5% वो कस्टम ड्यूटी लेकर आ गया। तो कह सकते हैं कि हो सकता है मोबाइल थोड़ा सा महंगा हो जाए, लेकिन सर मेरे हिसाब से मोबाइल महंगा नहीं होगा अगर मोबाइल एक्सेसरीज की प्रोडक्शन इंडिया में होने लग जाए तो वो कस्टम ड्यूटी का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। ऐसे गोल्ड्स वगैरह पे भी, गोल्ड सिल्वर वगैरह पे भी इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने थोड़ा सा रैशनलाइज करी है। तो ये सब चीजें उन्होंने टैक्सेशन के केस में करी है। ओवर टू यू। जैसे आप कस्टम ड्यूटी के बारे में बोल रहे थे कि कस्टम ड्यूटी का यहाँ पे गवर्नमेंट का जो चीजों को टैक्स कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का जो रीजन है वो ऑब्वियसली यही रीजन है ताकि उस चीजों का प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हो सके। हम लोग क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो पिछले 9 महीने से हम आत्मनिर्भर चीज सुन रहे हैं, मिशन सुन रहे हैं, उसका लॉजिक यही है कि चीजें ज्यादा सारा इंडिया में ही बने और इंडिया के लोग उन्हीं को यूज करें। तो हो सकता है जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के पीछे रीजन है उसको सिंप्लीफाई करने का या उसको परसेंटेज को बढ़ाने का रीजन है वो यही है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ज्यादा सारा एनकरेज कर सके, उसको मोटिवेट कर सके ताकि लोग और इंडियन कंज्यूमर्स उन्हीं को परचेज करें। आपको फॉरेन की चीज महंगी मिलेगी, डोमेस्टिक सस्ता होगा तो आप उसी को परचेज करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से जैसा कि आपने भी बताया कि टैक्सेस में ज्यादा कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया, उसका रीजन यही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस टाइम पे आप एक चीज जो मई में अनाउंस किया ना वो एक तरह से छोटा बजट ही था, या कह लीजिए वो बड़ा बजट था ये छोटा बजट है, तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा स्कोप नहीं था। और दूसरी बात रहा था, गवर्नमेंट ने पिछले 9 महीनों में इतना ज्यादा पैसा खर्च कर लिया, इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर लिया कोविड के चक्कर में कि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, वो कहाँ पे खर्च करें उसको। तो भाई जब पैसा ही अवेलेबल नहीं होगा, हमें पता है हमारा पैसा आना नहीं है, तो हम कहाँ पे उसको प्लानिंग कहाँ से करेंगे खर्चेंगे। सो इन्हीं सब चीजों के, इन्हीं सब लिमिटेशंस के लगते हुए मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने बहुत लिमिटेड चीजों के अंदर अपना इस बजट को प्रेजेंट किया है। और आई बिलीव कि ठीक है मॉडरेटली आपका ये बजट काफी अच्छा भी है और चीजें करी जा सकती हैं, बट वही है लिमिटेशन है हर एक चीज की। एज अ इंडिविजुअल हम लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट ने बजट टैक्सेस के अंदर राहत दी, गवर्नमेंट 3 लाख कर देती है, 3.5 लाख रुपए रिलीव कर देती है वहां पे, बट हम लोग कभी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते नहीं है कि वहां पे गवर्नमेंट क्या क्योंकि हमें नहीं पता ना गवर्नमेंट का कितना पैसा कहां से आना है, उसको खर्चा तो बहुत सारी जगह करना है, उसको डिफेंस के ऊपर भी करना है, उसको एयरपोर्ट के ऊपर भी करना है, उसको रोड भी बनाने हैं, उसको स्कूल भी बनाने हैं, हॉस्पिटल भी बनाने हैं, बट पैसा तो लिमिटेड ही है। सो उस लिमिटेशन के साथ में गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव समझना काफी हमारे लिए मुश्किल होता है।
सो आई बिलीव कि ठीक है, काफी अच्छा है चीजें, इन्वेस्ट कर, गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ग्रोथ होनी चाहिए. लेट्स सी कितना कारगर होती चीजें. सो दिस इज ऑल अबाउट द बजट 2021. सो थैंक यू वेरी मच अक्षय जी, इन्होंने अपनी वैल्यूएबल गाइडेंस दी, अपनी नॉलेज शेयर करी अबाउट द बजट. तो आई होप आपको भी ये बजट टॉक काफी पसंद आया होगा. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एफएम की स्पीच मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना और डिटेल में जाकर स्टडी करना. सिर्फ हमने तो देखो एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया कि बजट में क्या है, लेकिन इन डिटेल आपको जानने के लिए वो स्पीच एक बार अच्छे से रीड कर दीनी चाहिए. ठीक है जी, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा. तो इस वीडियो को लाइक करना और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके कलीग्स हैं, सबके साथ इसको शेयर कर देना. ठीक है जी, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.